गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अपने घर में अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो अभी बजे सुबह के 7:45। अगेन रात में सोई नहीं, सब सो गए ऊपर जाके। मेरे को कबीर के साथ थी तो थोड़ी सी स्पेस की जगह की प्रॉब्लम हो रही थी, एक साइड सोया भी नहीं जा रहा था इस वजह से। चलो फिर 6 बजे करीब और बिंद उठे हैं तो वो नीचे आए हैं, तो मैं दूसरी सीट पर आके लेट गई। और अभी यहाँ पे मॉर्निंग हुई है और सो के उठे हो बीच, और साथ में गर्म गर्म चाय। और स्टेशन भी आने वाला, नेक्स्ट स्टेशन आई थिंक हमारा ही है मनमान। तो चलो देखते हैं, जैसे भी है जो भी है फिर मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस स्टेशन से उतरने के बाद आपको ऑटो मिल जाएगा। ऑटो पर सवारी के हिसाब से लेता है 20 रुपीज़। वैसे तो बहुत ज़्यादा नियर है, हार्डली 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, बट इसने यहाँ तक जाने के लिए 80 रुपीज़ हमसे पे किया। फ़िलहाल हमारा भी फर्स्ट टाइम था तो हमें आइडिया नहीं था कि कितनी दूर है और क्या रास्ता है, तो इसलिए हमें मजबूरन देने पड़े, बट आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। तो फाइनली गाइस हमने यहाँ रूम ले लिया था मनमान, और एक गुरुद्वारा साहिब है मनमान का, तो यहाँ पे रूम लिया था। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं शेरटी। बाकी लगेज हमारा सब यहीं पे है और सिर्फ एक बैग लेके जा रहे हैं जिसमें 2 दिन के कपड़े हैं, क्योंकि ठंड यहाँ बढ़ गई है, इसलिए आज मैं अभी विंटर क्लोथ्स में आ गई हूँ। ठंड काफ़ी हो गई है, तो चलते हैं और शिरडी दर्शन करते हैं। शिरडी शिकनापुर सारे दर्शन करके आते हैं, तो जैसा भी होता है जो भी होता है फिर मैं आपको अपडेट करती हूँ। ये है गुरुद्वारे जी मेन गेट। तो गुरुद्वारे के बाहर से ही आपका ऑटो मिल जाएगा, ये ऑटो रेलवे स्टेशन तक के लिए है। तो आपको जो स्टेशन पहुंचने के बाद ऐसे शेयरिंग में शिरडी के लिए ऑटो मिल जाएगा, और इसका जो प्राइस रहता है वो सीज़न के अकॉर्डिंग भी रहता है, इनसे थोड़ी बार्गिंग करनी पड़ती है। जैसे कि अभी जो हमारा इन्होंने लिया है पर सीट के हिसाब से वो 150 रुपीज़ चार्ज किया है, और आई थिंक 75 किलोमीटर्स है यहाँ से, तो इन्होंने ये चार्ज किया। और बेटर है कि आप शेयरिंग में जाइए, आप पर्सनल करके मत जाइए, क्योंकि बहुत केसेस सुनने को मिलते हैं और शेयरिंग में आप सेफ रहेंगे। तो चलते हैं गाइस। तो गाइस मनमान स्टेशन उधर कैसे शेयरिंग में आपको गाड़ी मिल जाएगी शिरडी के लिए, देख सकते हो आप। और बेटर यही है कि आप शेयरिंग में जाइए यहाँ से, अकेले मत जाइए, क्योंकि रास्ता वहाँ का बहुत ख़राब है। जो रास्ता है वो सुनसान है और चांसेस बहुत होते हैं लूटपाट के, इसलिए आप शेयरिंग में जाइए तो वो ज़्यादा बेटर है। कितना प्याज है, यहीं से सप्लाई होता ज़्यादातर।
बहुत सही प्याज है और लहसुन मोटा मोटा। कितना प्याज है, पूरी पूरी लाइन लगी है। पर चालियां प्याज दिया कुछ नहीं है, तेरे देखने के लिए प्याज है। ओ मंडी तक, मंडी जाके आहो, ओ प्याज है दी मंडी। बाबा अंबेडकर तो फाइनली गाइस पहुंच गए हैं शिरडी साईं बाबा मंदिर, और सामने साईं बाबा मंदिर है, वो ग्रे कलर की बिल्डिंग जो है वो मंदिर की बिल्डिंग है। तो अभी जा रहे हैं अपने होटल की तरफ क्योंकि इस तरफ ऑटोज नहीं आते, तो होटल पे जाके फिर मैं मिलती हूँ। तो गाइस रश बहुत ज़्यादा शायद नहीं सारे, और लास्ट टाइम हम सामने होटल में रुके कैरिया पंजाब, तो अभी खड़े हैं फिलहाल। अरविंद एक बंदा मिल गया, वो बोलने लगा कि होटल का रूम है, तो अरविंद देखने चले गए कि देख लेते हैं। तो अभी हम बैठे वेट कर रहे हैं, तो रूम जैसे मिलता है फिर रूम पे जाते हैं। तो फाइनली गाइस बच रहे हैं 4:15 और हम जा रहे हैं अंदर माथा टेकने बाबा के दरबार में। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, तो फ़ोन मेरा अब जो है वो रूम पे छोड़ना पड़ेगा और बाद में आके ले जाएंगे। मतलब कि वैसे थोड़ा अभी माथा टेक के आ जाए तो फिर मिलते हैं आपसे, अंदर तो फ़ोन अलाउड ही नहीं है। तो फाइनली गाइस बज रहे हैं 8 और अभी माथा टेक के आए हैं। इतना टाइम लग गया ना आती अटेंड करी, इतना ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत रश था, 4 घंटे लग गए हमें माथा टेक के। तो अभी आए हैं और अभी कबीर पी रहा दूध, और उसके बाद चलते हैं डिनर करते हैं और उसके बाद आके सो जाते हैं, और सुबह अली मॉर्निंग उठ के सीखना। तो गाइस आ गए हैं नीचे मार्केट में, और यहाँ की मार्केट आप देख सकते हो। हाय, यहाँ से सुबह खाया था वड़ा पाव, चाय, इधर दूध वाला खड़ा होता आही आपकी खड़ा गोल गप्पे वाला, इधर दूध वाला सीगा। और यार देखिया काट के दें, काट के रात पिया होंगे। अगर गाइस आप शिरडी या शिकनापुर आ रहे हैं और अगर आपको मनमाड भी घूमना है, तो मेरी आपको एडवाइस यही है कि आप अपना लगेज लेके ही शिरडी आएँ, मनमाड मत रखिएगा, क्योंकि शिरडी में आपको बहुत कुछ घूमने को मिलेगा। मनमाड में सिर्फ मनमाड का गुरुद्वारा है, वहाँ इनफैक्ट इतना बाजार भी नहीं है और आसपास कुछ ऐसा घूमने वाला भी नहीं है। सिर्फ एक डैम है जो आप घूम सकते हो, वो भी आप हार्डली घंटा उसमें घूम लोगे, 1 घंटा, इससे ज़्यादा आप वो भी नहीं कर सकते हो। और बेटर ये है कि आप अपना लगेज लेके आओ आराम से, आपको जितने दिन यहाँ मनमाड में स्टे करने हैं ना, वो आप शिरडी में स्टे कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे मार्केट है, आप शॉपिंग कर सकते हो और काफ़ी घूम फिर सकते हो, अच्छा खाना आपको मिल जाएगा। बट वहाँ पे मनमाड के मेन मनमाड में ही आपको सिर्फ गुरुद्वारा है और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरी तो आपको एडवाइस यही है कि अगर आप आते हो तो अपना लगेज लेके ही शिरडी आना बेटर है। एक्चुअली हम लोगों की ट्रेन अर्ली मॉर्निंग थी, सुबह 4 बजे की, इस वजह से ही हमने वहाँ पे सामान रखा है, अपना लगेज रखा है और रूम लिया है। नहीं तो क्योंकि हमारे पास छोटे बच्चे भी हैं, तो अर्ली मॉर्निंग उठ के यहाँ से मनमाड जाते और मनमाड से आकर ट्रेन पकड़ते तो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती, इसलिए ये हमने वहाँ पे रूम लिया ताकि वहाँ से उठ के सीधा डायरेक्ट ही हम स्टेशन तक जा सकते हैं।
और यहाँ की मार्केट तो आप देख ही रहे हो, काफ़ी अच्छा माहौल रहता है, घूमने फिरने का काफ़ी अच्छा कुछ रहता है। और शिरडी के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ आप घूम सकते हो, जैसे कि वंडरलैंड वाटर पार्क ऐसे समथिंग है, और काफ़ी सारे मंदिर है, पुरानी शिरडी है, काफ़ी कुछ है, और रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छे हैं, और खाना आपको हर एक टाइप का खाना मिलेगा, साउथ इंडियन, इंडियन, नॉर्थ इंडियन, है ना। तो बेस्ट मतलब जगह है शिरडी, आप स्टे कर सकते हो। और चलो अब करते हैं हम लोग अपना करने लगे डिनर, तो आप भी आ जाओ हमारे साथ डिनर कर लो। आज काफ़ी टाइम के बाद हम बाहर का खा रहे हैं, नहीं तो हम इतने दिन से लंगर ही खा रहे थे। चलो गाइस करते हैं डिनर। खराब करना रहे हैं। तो गाइस ये आ गई है हमारी थाली, और आते ही सब टूट पड़े हैं। काफ़ी टाइम के बाद बाहर का खा रहे हैं, क्योंकि उधर सिर्फ हम लंगर ही खाते रहे। आज मतलब टूर पे आने के बाद पहली ऐसी चीज़ है जो हम बाहर खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं बाहर का। और आयरा ने अपने लिए मंगवाया सैंडविच, चलो खाओ। तो गाइस आयरा का इरादा जो है वो चेंज हो गया, पहले खाने लगी चावल, पहले मंगवाए सैंडविच, उसके बाद चावल खाए, अब कह रही है रोटी खानी है। हम सबका तो डिनर हो गया, आइए अब रोटी खा रही है। अंकल को बोल दो ये और ये प्लेट दूसरी प्लेट में डाल दे, जहाँ हम लिख देंगे। अच्छा ठीक है। तो गाइस खाना पीना खा के आ गए बाहर, और ठंड हो रही है यहाँ पे अब है? हाँ आयरे टोपी देखो बीबी, उसमें पॉलिथीन में है। वैसे तो शिरडी के आसपास भी आश्रम है, और काफ़ी सारे आश्रम हैं, और वो बिल्कुल मंदिर के पास नहीं है। पहली बात तो ये एक ही शायद आश्रम है जो मंदिर के पास है, जहाँ पे 500 समथिंग रूम का रेंट है, और बाकी के भी समथिंग इतने ही है, 500-700 समथिंग ऐसे ही है उनका रेंट। बट ये है कि आप जो शिरडी के पास रह के आप होटल ले लोगे ना, वो आपके लिए बेस्ट है। आई थिंक वो होटल भी आपको 1500 में बहुत अच्छा होटल मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे बेनिफिट तो ये बात रहती है कि आप कभी भी उठ के आके आप माथा टेक सकते हो, घूम सकते हो। नीचे ही मार्केट है सारी ना, मतलब मंदिर के पास में ही सारी मार्केट है। और जो आश्रम होते हैं वो थोड़ा सा दूर पे वॉकिंग डिस्टेंस होता है, बट पर लेकिन फिर भी दूर होते हैं, आपको स्पेशली मार्केट के लिए या मंदिर के लिए आना होता है। ऐसे में क्या होता है कि जैसे मंदिर में फ़ोन वगैरह भी अलाउड नहीं है, तो वो आप अपने रूम पे रख सकते हो, और जैसे माथा टेक के आओ तो आप वापस फ़ोन वगैरह अपना लेके आप घूम बाकी बार सब बाहर सारा घूम सकते हो। जैसे कि ये वाला एरिया है, ये सारा आप घूम सकते हो, है ना। सिर्फ मंदिर के अंदर तक फ़ोन नहीं जाता, बाकी ये सारी जगह पे फ़ोन जाता है। और इस जगह से भी साईं बाबा के दर्शन होते हैं, यहाँ पे भी आप जा सकते हो, है ना, बाकी सारी जगह आप घूम सकते हो। तो बस इन बातों का ध्यान रखना। मार्केट बंद होने का टाइम आ गया, बना दिए गए। ओए
प्रसाद याद है हमारे। तो यहाँ पे ऐसे मिलता प्रसाद 10 रुपए का एक पैकेट है। लाइन देखना तो यहाँ पे मैंने सुना था कि कोल्हापुरी चप्पल बहुत अच्छी मिलती है और काफ़ी टाइम तक चलती है, और मेरा काफ़ी दिल था कि यहाँ से चप्पल पर परचेस करूँ और लेके जाऊँ, और वही सब मैं यहाँ पे देख रही थी। बट एक्चुअली मैं साइज़ जो यहाँ मिलता था वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं था और आयरा के अकॉर्डिंग भी नहीं था। मैं चाहती थी आयरा के लिए थोड़ी सी बड़ी हो ताकि जैसे 1-2 साल वो पहन पाए, क्योंकि बच्चों का पैर तो वैसे ही बड़ा हो जाता है और अभी तो वैसे सर्दियाँ हैं, है ना। तो नेक्स्ट मतलब समर तक का एटलीस्ट उसको वो चप्पल आए, बट उसका साइज़ मिल ही नहीं रहा था। तो मेरा जो साइज़ मिला मैंने वो भी छोड़ दिया कि इकट्ठे ही लेंगे, तो इसलिए बस। और ये वैसे जो शॉप है इसी के ऊपर हमारा होटल भी है, ये बेनिफिट होता है कि आप कभी भी आके अपनी शॉपिंग कर सकते हो अगर आपके शिरडी के पास अपना होटल लेते हो तो। गाइस नमस्कार तो मिलती तो नहीं वैसे भी, तो आज नमस्कार कर देते क्योंकि स्कूल से आती तो नहीं करती, तो कोई बात नहीं। जो आज हम गए थे मार्केट में उससे हम बहुत सारी चीज़ें लाए थे, और उसमें से एक मेरा फेवरेट चीज़ आई है, देखो ये आपको मैं बाद में दिखाऊंगी, और पहले तो आपको मैं दो चीज़ें दिखा देती हूँ। सबसे पहले डैडी की वॉच जो इतनी अच्छी है, और ये देखो टाइम पता लग रहा है पूरा का पूरा, और मामा की वॉच, ये मामा की वॉच है लगी, ये मामा की वॉच, ये है मामा की वॉच, मम्मी की वॉच, मामा बोल रही हो कोई बात नहीं। तो ये है टाइम पता लग रहा है, इस दोनों में अलग टाइम नहीं है ना, कमेंट करके बताना है अलग अलग टाइम है, बताना ये लिख कर कमेंट में कर दो। अभी इसकी बारी है हमने खोलने की, ये देख वो पहले ही काचा बता रहा है, ओ मिट गया, दिखाती हूँ। ये इसका पेन होता है, आपको ऊपर मिलेगा हाथ में लग जाएगी आपके थोड़े, ठीक है चलो अब लिखते हैं। आपको ऐसे पूरा पेन आएगा, ओके। और अभी लिखते हैं, अब पहले क्या लिखेंगे, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, देखो कितनी अच्छी राइटिंग हो रही है यहाँ। एक देखो दिख रहा होगा आपको, ब्लू दिख रहा होगा पर ये ग्रीन है, और ये जो नीचे एक बटन लगा होता है इसको दबाना होता है, बस पूरा मिट गया। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये दे दूंगी, आप मंगा सकते हो इससे। कहाँ से मंगा सकते हो? डफर मंगा सकते हो, शेडी से मंगा सकते हो, शेडी से हर जगह मिल सकता है, हर जगह से मिल सकता है। तो लिंक कहाँ से सेंड करोगी फिर? ये भाई साहब ये आजकल सीख रही है वो ये वीडियो रिकॉर्ड करना, और ये देखो ये हंसी जा रहे हैं और ये रो रहा है, ये रो रहा है लड्डू सिंह। तो फाइनली गाइस बच रहे हैं 9, हम खा पी के घर अपने रूम पे आ गए हैं, और बस अब देखते क्या है क्या नहीं आगे का सीन, तो जैसा भी होता जो भी होता अपडेट देती हूँ मैं आपको, और थोड़ा सा रेस्ट कर लें। तो गाइस रात के बज रही है 11:30 और इतनी ठंड लग रही है ना, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई, और अभी जा रहे हैं दूध पीने के लिए। तो आयरा कभी सब जा रहे हैं, दूजू भी ने यहाँ मिल रहा है गरम गरम केसर बादाम इलायची पानी डाल के, दिखाती हूँ मैं आगे आपको। तो ये दूध भी खत्म हो गया, मलाई तो है नहीं, सारी मलाई खत्म, मिक्स है लास्ट है अभी। आठ भी हो सकते हैं। चार बता दे। चार बता दे। ठीक है बेटा देखा।
इनका काफी फेमस है, मैं जब भी शेडी आती हूँ यहाँ पे इनका दूध जरूर पीती हूँ। पर लेकिन आपको मिलेगी नहीं आइसक्रीम आज, नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी आइसक्रीम आपको आज। शुगर कैसा? लाइट शुगर। कुछ नहीं कर रहे हो? तो दूध देख लो इतना मतलब डिमांड में होता है कि दूध भी खत्म हो गया और कस्टमर खाली गए, तो द्वारका माई के बिल्कुल साथ में ही बैठे होते हैं। ये लोकेशन तो लगभग गाइस सारी मार्केट भी बंद हो गई है, मार्केट वगैरह बंद हो गई। मार्केट काफी बड़ी हो गई है। ये हमारा होटल है। हाँ, पूरी सेल लगी हुई है। और थोड़ी निकल जाके दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा मूर्तियाँ मूर्ति अच्छा बहुत सारी मिलती है, जैसे कि ये देखा है मेरे ना, देखा लो जैसे कि ये मूर्ति नहीं है टाइप, जैसे कि कुछ रखने के लिए। हाँ बस छोड़ दो आ जाओ, छोड़ कर आ जाते हैं अब उसको। ये पूरी दुकानें बंद है, ये देखा मैंने बंद है। चल आ जा आज वो आएगा नेक्स्ट। अच्छा वो नेक्स्ट अरे यार वो तो ये दिखा दिया गाइस, वो ही बहुत अच्छा है, वो ही दिखा दिया। ये हमारे पास ये देखो पर्स छके जाते हैं, वैसे मेरे पास कोई था पॉकेट पर्स, तो उसके बाद कहाँ आप कहाँ है प्रसाद कभी हम पार्क में दिखाएंगे, तो उसके बाद ये वाली जिसे हम लोग जाके दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ कितनी अच्छी है, ये आइसक्रीम की शॉप है, तो खाते हैं आइसक्रीम। अच्छा तो खाते हैं आप आइसक्रीम, बस ऊँट वगैरह नहीं है इस पर। अब हम चलते हैं मम्मा। ये क्या है? पाव भाजी। आज खाते हैं। लास्ट टाइम हमारा होटल वो था। तेरे पंजाब के ऊपर। हाँ। ये भी लाइन है, हम ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। हैं? हाँ ज़्यादा रश ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ तक आ जाती है। तो काफी बड़ी मार्केट है वैसे। मैं बता दूं बहुत बड़ी काफी बड़ी मार्केट है, यहां देखो सामने वो देखो बहुत अच्छी शॉप है, वहां भी थोड़े बहुत सामान मिलते हैं मेरे वन करो।
तीसरा टाइम है, पापा का भी तीसरा टाइम है, पर मम्मी का भी तीसरा टाइम है, और कबीर जो है उसका फर्स्ट टाइम है। तो मैं बाद में बताती हूं आपका अपना भी हूं। तो फाइनली गाइस बजे 11:15 और मेरी एडिटिंग अभी अपलोडिंग पे लगाई है, अपलोड हो रही है, तो आई थिंक हो जाएगी। और करती मैं इस वीडियो को एंड। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाय गाइस, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।